गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुरुवार को मूर्ति विसर्जन में जाते समय विकास तिवारी नाम के व्यक्ति को बदमाशों ने मारी गोली। इलाज के लिए लखनऊ ले जाते समय व्यक्ति की हुई मृत्यु। एसएसपी ने कहा शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। तहरीर मिलने पर मुकदमा किया जाएगा दर्ज। अभियुक्त को जल्द ही गिरफ्तार कर भेजा जाएगा जेल। भारी वर्षा के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए जनपद में इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम को किया गया लागू। जिला आपदा विशेषज्ञ ने कहा आईआरएस ऑफिसर अपने स्तर पर स्वतः निर्णय लेते हुए राहत बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर कर सकेंगे लागू। नौ अक्टूबर को भव्यता के साथ महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाएगी योगी सरकार। रामायण काल से जुड़े स्थलों श्री राम हनुमान मंदिरों पर रामायण पाठ के साथ साथ होंगे दीपदान के आयोजन। शासन ने 15 नवंबर तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सड़कों को गड्ढा मुक्त अभियान चलाने के दिए निर्देश। सीडीओ संजय कुमार मीणा ने सभी सड़क मेंटेनेंस करने वाले विभागों को सर्वे कराकर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सड़कों को गड्ढा मुक्त सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश। चाकू मारकर घायल करने के आरोप में वांछित अभियुक्त सोनू को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त चाकू किया बरामद, भेजा जेल। जनपद में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति व योजनाओं को लेकर सीडीओ संजय कुमार मीणा ने की बैठक। कहा शासन की योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। महिला से छेड़खानी कर मोबाइल की लूट करने वाले अभियुक्त आदित्य चौहान को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। दिवसीय आयुष्मान पखवाड़ा में 11,500 लोगों का बनाया गया आयुष्मान कार्ड। डिप्टी सीएमओ अनिल कुमार सिंह ने कहा अभियान आगे भी रहेगा जारी ताकि जल्दी से जल्दी सभी लाभार्थियों का बन सके आयुष्मान कार्ड। ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्ती कल्याण सेवा समिति ने सीएमओ कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। सीएमओ ने 10 दिन के अंदर बकाए के भुगतान का दिया आश्वासन। सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा सीएमओ के आश्वासन पर धरना प्रदर्शन किया गया स्थगित। अगर 10 दिनों में भुगतान नहीं होता है तो आगे इससे भी बड़ा किया जाएगा आंदोलन। और मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट किया जारी। 8 अक्टूबर से आगे तक बारिश होने की है संभावना। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। शाहपुर थाना क्षेत्र के असुरन चौकी के पास गुरुवार को विकास तिवारी नाम के व्यक्ति का मूर्ति विसर्जन में बदमाशों ने गोली मार दी, जिसका इलाज के लिए लखनऊ ले जाते समय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जनपद में गुरुवार की शाम को एक सूचना मिली कि शाहपुर थाना क्षेत्र के असुरन चौकी के पास गोली चलने की सूचना मिली है। वही घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि विकास तिवारी नाम का व्यक्ति जो कि मेडिकल स्टोर चलाता है वह मूर्ति विसर्जन में जा रहा था। एक व्यक्ति के साथ विवाद होने पर वहां पर फायरिंग की घटना हुई जिसमें विकास तिवारी को गोली लग गई। तत्काल पुलिस द्वारा घायल व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया जहां से डॉक्टरों द्वारा हालत नाजुक देखकर लखनऊ पीजीआई के लिए रवाना किया गया। लखनऊ पहुंचने से पहले ही घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई। शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। घटना में शामिल फायर करने वाले व्यक्ति की पहचान लकी निषाद के रूप में हुई है। तहरीर मिलते ही मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल में फॉरेंसिक सीसीटीवी फुटेज व अन्य जानकारी जुटाई जा रही है जिसका निरीक्षण एसएसपी द्वारा किया गया है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने बताया कि परिजनों से बात की जा रही है। परिजनों द्वारा जिनका भी नाम प्रकाश में लाया जा रहा है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। मुकदमा दर्ज करते ही अभियुक्त को जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा बात आपका
कल जनपद गोरखपुर में शाम के समय पर थाना शाहपुर क्षेत्र के असुरन चौकी के पास एक सूचना आई कि यहां पर गोली चलने की घटना हुई है। मौके पर जाकर जब पुलिस द्वारा जांच की गई तो ये जानकारी हुई कि विकास तिवारी नाम के व्यक्ति जो कि मेडिकल स्टोर चलाते हैं, एक मूर्ति विसर्जन के जुलूस के साथ वो जा रहे थे, उसी में एक और व्यक्ति के साथ कुछ विवाद होने पर वहाँ पर फायरिंग की घटना हुई, जिसमें कि इनको फायर आर्म इंजरी हुई। तत्काल इनको मौके से मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना किया गया, जहाँ से इनको लखनऊ के लिए रेफ़र कर दिया गया था। लखनऊ पहुँचने से पहले ही इनकी दुखद मृत्यु हो गई है। बॉडी का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसमें जो फायर करने वाले संदिग्ध का नाम लकी निषाद बताया जा रहा है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त होते ही मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। संदिग्ध को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज व अन्य जानकारियां, मौके का मुआयना मेरे द्वारा बाकी सीनियर अधिकारियों द्वारा किया गया है। साक्ष्यों के आधार पर, तहरीर के आधार पर और पूछताछ के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। देखिए, उस समय पर घटनाक्रम किस तरह से हुआ, वहाँ पर मौजूद जो लोग थे उस जुलूस में, जो अन्य लोग सम्मिलित थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। परिवारजनों से भी इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। तहरीर में जो तथ्य अंकित किए जाएंगे उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। और उस समय पर वो चश्मदीद थे, उनसे भी जानकारी की जा रही है। जिसके ऊपर, जिसको एक्यूज किया जा रहा है, उसके आपराधिक इतिहास या उनकी पूर्व की गतिविधियों के बारे में भी विभिन्न थाना क्षेत्रों से जानकारी की जा रही है। सारी जानकारियां जुटाने के बाद इसमें जो है पूरी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और बहुत सख्त कार्रवाई अभियुक्त के खिलाफ की जाएगी। शासन के निर्देश पर जनपद में भारी वर्षा के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए जनपद में इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम को लागू किया गया है, जिससे घटना की सूचना मिलते ही बचाव कार्य शुरू किया जा सके। जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि आपदा के दौरान किसी भी बचाव कार्य की आवश्यकता है तो इसके तहत इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम क्रियाशील रहता है। उन्होंने बताया कि आग लगने, भवन गिरने तथा बाढ़ में नाव पलटने आदि घटनाओं की सूचना सबसे पहले आपातकालीन नंबर 112 व तहसील के राजस्व कर्मचारियों को मिलती है। वर्तमान में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए IRS को लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि IRS को लागू करने का उद्देश्य है कि आपदा के दौरान जो भी कार्रवाई किया जाए उसमें किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न न हो और सभी लोग अपने स्तर पर स्वतः निर्णय लेते हुए राहत बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर लागू कर सके, इसलिए जनपद में IRS को लागू किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, जनपद में शासन द्वारा शासन के निर्देशानुसार जारी अधिसूचना के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जनपद में इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम को लागू किया गया है, जिसमें इंसिडेंट कमांडर के रूप में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व सर इसका नेतृत्व करते हैं और इनके साथ इनके अलग अलग जो हमारी जो टीमें होती हैं, इसमें अगर किसी भी आपदा के दौरान किसी भी प्रकार की त्वरित राहत और बचाव कार्य की आवश्यकता है तो इसके तहत ये इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम क्रियाशील रहता है। जैसे भी वर्तमान समय में जनपद में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके दृष्टिगत IRS को लागू कर दिया गया है और IRS में जो हमारे ऑपरेशन चीफ होते हैं वो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सर होते हैं, उनके नेतृत्व में जो भी ऑपरेशन रिलीफ का चलाया जाता है वो सर के नेतृत्व में संबंधित जो रिस्पॉन्स एजेंसीज होती हैं, NDRF या SDRF या जो भी हमारी टीमें रहती हैं, वो रिस्पॉन्स कार्य करती हैं। प्लानिंग का जो सेक्शन होता है वो ADM फाइनेंस सर के ही उसमें नेतृत्व में रहता है, ताकि जहाँ पर भी किसी भी प्रकार की संसाधनों की आवश्यकता है या किस प्रकार कार्य को संपादित किया जाए, ताकि त्वरित निर्णय की कार्रवाई उस पर सुनिश्चित की जा सके और जो उसमें प्रभारी के रूप में जो इंसिडेंट कमांडर होते हैं वो संबंधित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी सर लोग होते हैं, तो वे लोग इसको सर के नेतृत्व में अपना सारी कार्यवाहियों को संपादित करते हैं। लॉजिस्टिक के लिए जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है वो अर्बन एरिया में नगर आयुक्त सर
और जो हमारा रूरल बेल्ट होता है उसमें मुख्य विकास अधिकारी सर इसके चीफ होते हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई संसाधन की आवश्यकताएँ हमें, जैसे गाड़ियाँ या किसी प्रकार की अन्य चीज़ों को लेकर के, तो उसके लिए संबंधित उनके नेतृत्व में पूरी कार्य किए जाते हैं। तो IRS का लागू करने का सिर्फ जो शासन का जो मंशा है वो यही है कि जो भी आपदा के दौरान कार्रवाई की जाए उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो और सभी लोग अपने स्तर पर स्वतः निर्णय लेते हुए राहत में बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर लागू कर सकें। इसलिए IRS को जनपद में लागू किया गया है और अभी बाढ़ की सिचुएशन बन रही है, राप्ती नदी में पानी बढ़ रहा है, तो उसके दृष्टिगत भी IRS लागू है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 भी लागू है, तो उसके अंतर्गत जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो सभी कार्रवाइयाँ सुनिश्चित की जाएंगी। सनातन धर्म संस्कृति के उन्नयन तथा राम राज्य की परिकल्पना में रामायण जैसे कालजयी महाग्रंथ की रचना कर योगदान देने वाले आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती को योगी सरकार इस वर्ष भी भव्यता से मनाएगी। इसके लिए विकास खंड स्तर पर तैयारी की जा रही है। रामायण काल महर्षि वाल्मीकि श्री राम से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों के साथ ही सभी प्रमुख श्री राम व हनुमान जी के मंदिरों को सजाकर वहां रामायण पाठ के साथ भव्य दीपदान का फरमान सरकार की तरफ से दिया गया है। शासन की मंशा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गोरखपुर में जिलाधिकारी ने CDO, SDM, उपनिदेशक बौद्ध संग्रहालय तथा क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि पर हर साल वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। इस गणना के अनुसार इस साल वाल्मीकि जयंती 9 अक्टूबर को है। महर्षि वाल्मीकि को रामायण महाग्रंथ की रचना कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की गाथा, उनके त्याग, मर्यादाओं के पालन एवं कर्तव्य परायणता भरे आदर्श जीवन के संदेश को देश दुनिया में जन जन तक पहुंचाने का श्रेय जाता है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीते 5 साल से पूरे प्रदेश में प्रतिवर्ष वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाए जाने की शुरुआत हुई। बतौर मुख्यमंत्री चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर जाकर श्रद्धा निवेदित करने का श्रेय भी योगी आदित्यनाथ को ही जाता है। CM ने महर्षि वाल्मीकि के चित्रकूट स्थित आश्रम का कायाकल्प कराते हुए इसे सांस्कृतिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कराया है। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर होने वाले आयोजनों को लेकर एक बार फिर विकासखंड स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस संबंध में प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम ने सभी मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। वाल्मीकि जयंती पर शासन की मंशा जिलों में विकास खंड स्तर तक रामायण काल से जुड़े सभी स्थलों श्री राम हनुमान मंदिरों पर 8, 12 अथवा 24 घंटे के रामायण पाठ कराने के साथ भव्य दीपदान कार्यक्रम की है। इस आयोजन को सांस्कृतिक दलों कलाकारों का चयन कर पूर्ण करने की जिम्मेदारी संस्कृति एवं सूचना विभाग को दी गई है। वाल्मीकि जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर हुई तैयारियों की समीक्षा 8 अक्टूबर की शाम को शासन की तरफ से नामित नोडल अधिकारी द्वारा की जाएगी। शासन ने 15 नवंबर तक शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गड्ढा मुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए जाने पर CDO संजय कुमार मीना ने जिले के सभी सड़क मेंटेनेंस करने वाले विभागों को सर्वे कराकर जिन सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं उन गड्ढों को गड्ढा मुक्त कराना सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसके संबंध में CDO संजय कुमार मीना ने बताया कि शासन द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 15 नवंबर तक शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गड्ढा मुक्त अभियान चलाया जाए। इसके लिए जनपद स्तर पर जो भी संबंधित विभाग PWD, NHI आदि विभाग हैं जिसके द्वारा भी सड़क मेंटेनेंस की जा रही है उन सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि सभी विभाग अपना अपना सर्वे कराकर जिन सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं उन सड़कों को गड्ढा मुक्त कराना सुनिश्चित करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CDO संजय कुमार मीना ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया गया है कि 15 नवंबर तक जितनी भी हमारी सड़कें हैं, चाहे वो शहरी एरिया में हो चाहे ग्रामीण एरिया में हो, उनको हम गड्ढा मुक्त कराएं। इसके लिए जनपद स्तर पर जो भी संबंधित विभाग हैं, RED, PWD, NH, जिसके द्वारा भी वो सड़क मेंटेन की जा रही है, उन सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि सभी विभाग अपने अपना सर्वे कराकर जो भी हमारी सड़कें जो जिसमें गड्ढे हो गए हैं उनको गड्ढा मुक्त कराना सुनिश्चित करें।
राजघाट थाने की पुलिस ने चाकू मारकर घायल करने के आरोप में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सोनू पुत्र दशरथ प्रसाद निवासी जटेपुर दक्षिणी थाना गोरखनाथ जिला गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है। राजघाट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त कई दिनों से मुकदमे में वांछित चल रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक आशीष कुमार तिवारी, कांस्टेबल अरुण कुमार भारती, सतीश कुमार शामिल रहे। तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुरुवार को मूर्ति विसर्जन में जाते समय विकास तिवारी नाम के व्यक्ति को बदमाशों ने मारी गोली। इलाज के लिए लखनऊ ले जाते समय व्यक्ति की हुई मृत्यु। एसएसपी ने कहा शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। तहरीर मिलने पर मुकदमा किया जाएगा दर्ज। अभियुक्त को जल्द ही गिरफ्तार कर भेजा जाएगा जेल। भारी वर्षा के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए जनपद में इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम को किया गया लागू। जिला आपदा विशेषज्ञ ने कहा आईआरएस ऑफिसर अपने स्तर पर स्वतः निर्णय लेते हुए राहत बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर कर सकेंगे लागू। नौ अक्टूबर को भव्यता के साथ महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाएगी योगी सरकार। रामायण काल से जुड़े स्थलों श्री राम हनुमान मंदिरों पर रामायण पाठ के साथ साथ होंगे दीपदान के आयोजन। शासन ने 15 नवंबर तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सड़कों को गड्ढा मुक्त अभियान चलाने के दिए निर्देश। सीडीओ संजय कुमार मीणा ने सभी सड़क मेंटेनेंस करने वाले विभागों को सर्वे कराकर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सड़कों को गड्ढा मुक्त सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश। चाकू मारकर घायल करने के आरोप में वांछित अभियुक्त सोनू को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त चाकू किया बरामद, भेजा जेल। जनपद में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति व योजनाओं को लेकर सीडीओ संजय कुमार मीणा ने की बैठक। कहा शासन की योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। महिला से छेड़खानी कर मोबाइल की लूट करने वाले अभियुक्त आदित्य चौहान को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। दिवसीय आयुष्मान पखवाड़ा में 11,500 लोगों का बनाया गया आयुष्मान कार्ड। डिप्टी सीएमओ अनिल कुमार सिंह ने कहा अभियान आगे भी रहेगा जारी, ताकि जल्दी से जल्दी सभी लाभार्थियों का बन सके आयुष्मान कार्ड। ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्ती कल्याण सेवा समिति ने सीएमओ कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। सीएमओ ने 10 दिन के अंदर बकाए के भुगतान का दिया आश्वासन। सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा सीएमओ के आश्वासन पर धरना प्रदर्शन किया गया स्थगित। अगर 10 दिनों में भुगतान नहीं होता है तो आगे इससे भी बड़ा किया जाएगा आंदोलन। और मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट किया जारी। 8 अक्टूबर से आगे तक बारिश होने की है संभावना। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनपद में चल रहे कार्यों को लेकर सीडीओ संजय कुमार मीणा ने विकास भवन के सभागार में बीडीओ के साथ बैठक की, जिसके संबंध में सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया कि जनपद में चल रहे विकास कार्यों के प्रगति को लेकर बीडीओ के साथ बैठक की गई है। हर ब्लॉक के बीडीओ से मनरेगा के कार्यों, आवास वितरण, पेंशन, आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति की जानकारी ली गई है। सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि शासन की तरफ से चल रही योजनाओं का लाभ हर एक लाभार्थी तक पहुंचे तथा नागरिकों के समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने कहा तो
आज जो हमारे समस्त खंड विकास अधिकारी हैं उनके साथ जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उनके संबंध में और जो विकास कार्य हैं उनके संबंध में प्रत्येक ब्लॉक वार हर बिंदु पे, चाहे वो आवास का बिंदु हो, चाहे नरेगा का बिंदु हो, चाहे पेंशन का बिंदु हो और आयुष्मान कार्ड बनाने का जो इशू है उसके संबंध में विस्तृत चर्चा की गई और सभी को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो भी हमारी योजनाएं हैं उनका लाभ हर एक लाभार्थी तक पहुँचना। कैंट थाने की पुलिस ने महिला से छेड़खानी तथा मोबाइल लूट करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान आदित्य चौहान पुत्र भरत चौहान निवासी परसौनी खुर्द थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है, जिसके पास से लूट का मोबाइल बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 3 अक्टूबर को पीड़िता द्वारा आदित्य चौहान के विरुद्ध छेड़खानी करने व मोबाइल छीनकर भाग जाने के संबंध में लिखित तहरीर दी गई, जिसके संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि साहब, मैं और पीड़िता एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, हम दोनों में पढ़ाई के दौरान बातचीत होती रही तथा स्कूल छोड़ने के बाद भी कभी कभी बातचीत होती थी। पीड़िता मुझसे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं नंबर बदल कर उसे फोन करता था, लेकिन वह मना करती रहती थी। 3 सितंबर को मैं एम्स के तरफ जा रहा था, वहां पर पीड़िता मिली, जिसका हाथ पकड़कर मैंने बात करना चाहा तो वह विरोध करने लगी, तो मैंने उसे मारा तथा उसका मोबाइल छीनकर भाग गया था। उन्होंने बताया कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक संतोष सिंह, कांस्टेबल रोहित सिंह शामिल रहे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत चलाया गया 15 दिवसीय आयुष्मान पखवाड़ा में 11,500 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया, जिसके संबंध में डिप्टी सीएमओ एवं जनपद के आयुष्मान कार्ड के नोडल अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इस पखवाड़े में कुल 11,500 से अधिक लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। कुछ कारण से अधिकतम कार्ड नहीं बन पाया। उन्होंने कहा कि जो भी 2011 के आर्थिक सर्वेक्षण में लाभार्थी हैं या जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं, वह जल्द से जल्द अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र, आशा बहुओं के माध्यम से तथा पंचायत सहायक से आयुष्मान कार्ड को बनवा लें। इसके अलावा ब्लॉक पर आरोग्य मित्र के माध्यम से भी कार्ड बनवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड से पूरा परिवार 5 लाख तक का इलाज करा सकता है, जिसमें करीब 15 तरह की बीमारियों का इलाज इस कार्ड से करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूरे जनपद में 130 अस्पताल इस योजना से जुड़े हुए हैं, जिसमें 26 सरकारी अस्पताल और 104 निजी अस्पताल हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि जल्द से जल्दी सभी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बन सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डिप्टी सीएमओ अनिल कुमार सिंह ने कहा, इस पखवाड़े में 11,500 के आसपास हम लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। हालांकि अपेक्षा हम लोगों को ज़्यादा की थी, लेकिन कुछ त्यौहार भी इधर आ गया
और कुछ और भी व्यवधान आए जिसकी वजह से एक दो दिन पोर्टल भी हमारा डाउन हो गया था, जिसकी वजह से कम कार्ड बने। लेकिन ये तो शासन द्वारा दिया गया एक पखवाड़े का लक्ष्य था, परंतु अभी आज ही मुख्य विकास अधिकारी महोदय के साथ हमारी वार्ता हुई है। ये हम लोग लगातार अनवरत चलाते रहेंगे एक अभियान के स्तर पे, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग जितने भी हमारे जनपद में लाभार्थी हैं उनको आयुष्मान कार्ड से आच्छादित कर सकें। और इसी के साथ मेरी जनपद वासियों से ये करबद्ध प्रार्थना है कि जो भी 2011 के आर्थिक सर्वेक्षण में इसके लाभार्थी हैं या जिनके यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेजा गया पत्र है अथवा अंत्योदय कार्ड धारक हैं, वो शीघ्र से शीघ्र इस कार्ड को बनवा लें अपने नज़दीकी सहज जन सेवा केंद्र से या आशा के माध्यम से या पंचायत सहायक के माध्यम से। इन सारे माध्यमों से आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने ब्लॉक पे स्थित सरकारी अस्पताल पे आरोग्य मित्र हैं एक, उनके माध्यम से भी बनवा सकते हैं। तो यथाशीघ्र आप अपना आयुष्मान कार्ड जरूर बनवा लें, क्योंकि बीमारियां का के बता के नहीं आती हैं, अकस्मात आती हैं। ऐसे समय में हम लाभार्थी होते हुए भी अपने घर से पैसा खर्च करें, धन खर्च करें और एक आर्थिक बोझ अपने ऊपर लें, उससे लाख गुना बेहतर है कि हम समय रहते ये कार्ड बनवा लें और जब भी इस तरह की कोई समस्या आती है सेहत से संबंधित तो हम उसका लाभ उठाएं। सर लाभ क्या होता है? इस कार्ड के बन जाने के बाद आपका पूरा परिवार 5 लाख तक के इलाज के लिए लाभार्थी हो जाता है, जिसमें किसी भी तरह का, चाहे गुर्दे की बीमारी हो, चाहे हृदय की बीमारी हो, या घुटने बदलवाने हो, या किसी तरह की हड्डी टूट गई हो, मतलब तरह तरह के करीब 1500 तरह की बीमारियों को इस योजना में आबद्ध किया गया है। और इस बीमारियों से संबंधित सेवा प्रदान करने के लिए हमारे जनपद में 130 अस्पताल इस योजना से आबद्ध किए गए हैं, जिसमें 26 हमारे सरकारी अस्पताल हैं और 104 हमारे निजी अस्पताल हैं। जितने भी आप बड़े अस्पताल गोरखपुर जनपद में देख रहे हैं, एक सिटी हॉस्पिटल को छोड़ के बाकी सारे अस्पताल इसमें योजनाबद्ध हैं। ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्ती कल्याण सेवा समिति के तत्वावधान में तथा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव के नेतृत्व में शुक्रवार को प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग को लेकर सीएमओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव ने बताया कि आशा बहनों का 6 महीने से प्रोत्साहन राशि भुगतान नहीं दिया जा रहा है और जो राशि दिया जा रहा है उसमें से पैसा काट कर मिलता है, जिसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि सीएमओ द्वारा बकाए के भुगतान करने के लिए 10 दिन का आश्वासन दिया गया है, जिसको देखते हुए धरना प्रदर्शन को समाप्त कर दिया गया है। अगर 10 दिनों में भुगतान नहीं होता है तो आगे इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष नीता पांडे, जिला महामंत्री अनुराधा शर्मा, जिला मंत्री साधना शाही, जिला कोषाध्यक्ष उर्मिला सिंह, जिला महासचिव पंपी तिवारी, किरण शुक्ला, विद्या देवी, विद्या यादव, रेखा सिंह, राजदेवी देवी, माया सिंह, पुष्पा राय, किरण सिंह, सावित्री देवी, अनिता देवी सहित अन्य आशा बहनें मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्ती कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव ने कहा, जिंदाबाद जिंदाबाद।
हम ऑल इंडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव, और हम लोग जो है 5-6 महीने से हम लोग का भुगतान नहीं हुआ, और भुगतान के लिए जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय कार्यालय पर आके कहें, जिला अधिकारी के यहाँ गए कि 5-6 महीने हो गए हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है, और जो भी प्रोत्साहन राशि टुकड़ों में गई है वो भी सही तरीके से नहीं मिला है। किसी को 2200 के जगह पर 2000, 3000 के जगह पर 1500, ऐसे 2000 ऐसे करके गया है। हम सिम्मो साहब से बात किए कि हमें समझ में नहीं आता है कि आप कैसे पैसा जिले से भिजवा रहे हैं। इस समस्या को लेके आज हम विवश होके जो है हम लोग इस पानी बुन्नी में और धरने में, हम लोग कल ही से हमारा आज दूसरा दिन धरना है, और आज सिम्मो साहब बुलाए, ज्ञापन लिए और बोले कि जो है हमको 1 हफ्ते 10 दिन का आप समय दीजिए, ये दस्तक संचारी रोग बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, और आप काम करिए आप लोग, और 10 दिन 1 हफ्ते का हमको समय दीजिए, हम सारे जितने भुगतान बाकी है सब भुगतान आपके खाते में भिजवा देंगे। हमने उनसे सवाल किया कि अगर 1 हफ्ते 10 दिन में अगर सारे भुगतान नहीं होता है तो हम पुनः जो है यहाँ धरने पर फिर हम बैठ जाएंगे। आज यही निर्णय सिम्मो साहब लिए हैं, तो हम देखते हैं कि 1 हफ्ते 10 दिन में ये क्या हमारा प्रोत्साहन राशि भुगतान कर रहे हैं। जो कार्य हम लोगों ने बहिष्कार किया है वो कार्य हम लोग करेंगे कल से, क्योंकि आज ही से शुरू था, हमने बहिष्कार कर दिया, और अभी बहुत अभियान ऐसे हैं जो इसके बाद भी होने वाले हैं। अगर हमारे पैसों का निस्तारण नहीं हुआ तो हम पुनः धरने पर फिर बैठ जाएंगे। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है, कहीं हल्के तो कहीं बेहद ज्यादा बारिश के आसार बन रहे हैं। आपको बता दें कि जनपद में 4 अक्टूबर को छिटपुट बारिश हुई, वहीं बुधवार को 61.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार आगामी 8 अक्टूबर से आगे तक बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बारिश होने से कहीं पर भी जलहानि और पशुहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन नदी में डूबकर एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है, जिससे समुचित तहसीलों को निर्देशित किया गया है कि जो भी प्रभावित व्यक्ति है उनके परिजनों को राज्य आपदा मोचन निधि द्वारा आर्थिक सहायता की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार भी आगामी 8 से 9 तारीख तक मौसम में इसी तरह का बने रहने की संभावना है। धीरे धीरे मौसम साफ भी हो जाएगा तब तक, और कुछ जगहों पे भारी वर्षा की भी चेतावनी है, तो अभी मौसम कुछ दिनों तक इसी तरह प्रकार बने रहने की संभावना है। सर 5 अगस्त को भारी वर्षा हुई है, कहीं जनहानि की? देखिए कहीं इस तरह से कोई जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन हाँ नदी में डूब के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है, तो समुचित तहसीलों से ये निर्देशित किया गया है जिलाधिकारी महोदय द्वारा कि वे जो भी प्रभावित व्यक्ति हैं उनके परिजनों को आर्थिक सहायता राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन के अंतर्गत दे किया जाए, और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण होती हैं उनके परिवारजन को तत्काल राहत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुरुवार को मूर्ति विसर्जन में जाते समय विकास तिवारी नाम के व्यक्ति को बदमाशों ने मारी गोली, इलाज के लिए लखनऊ ले जाते समय व्यक्ति की हुई मृत्यु। एसएसपी ने कहा शव को कब्जे में लेकर भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए, तहरीर मिलने पर मुकदमा किया जाएगा दर्ज, अभियुक्त को जल्द ही गिरफ्तार कर भेजा जाएगा जेल। भारी वर्षा के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए जनपद में इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम को किया गया लागू। जिला आपदा विशेषज्ञ ने कहा आईआरएस ऑफिसर अपने स्तर पर स्वतः निर्णय लेते हुए राहत बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर कर सकेंगे लागू। अक्टूबर को भव्यता के साथ महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाएगी योगी सरकार। रामायण काल से जुड़े स्थलों श्री राम हनुमान मंदिरों पर रामायण पाठ के साथ साथ होंगे दीपदान के आयोजन। शा
प्रशासन ने 15 नवंबर तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सड़कों को गड्ढा मुक्त अभियान चलाने के दिए निर्देश। सीडीओ संजय कुमार मीणा ने सभी सड़क मेंटेनेंस करने वाले विभागों को सर्वे कराकर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सड़कों को गड्ढा मुक्त सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश। चाकू मारकर घायल करने के आरोप में वांछित अभियुक्त सोनू को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त चाकू किया बरामद, भेजा जेल। जनपद में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति व योजनाओं को लेकर सीडीओ संजय कुमार मीणा ने की बैठक। कहा, शासन की योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। महिला से छेड़खानी कर मोबाइल की लूट करने वाले अभियुक्त आदित्य चौहान को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। दिवसीय आयुष्मान पखवाड़ा में 11,500 लोगों का बनाया गया आयुष्मान कार्ड। डिप्टी सीएमओ अनिल कुमार सिंह ने कहा, अभियान आगे भी रहेगा जारी ताकि जल्दी से जल्दी सभी लाभार्थियों का बन सके आयुष्मान कार्ड। ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्ती कल्याण सेवा समिति ने सीएमओ कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। सीएमओ ने 10 दिन के अंदर बकाए के भुगतान का दिया आश्वासन। सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, सीएमओ के आश्वासन पर धरना प्रदर्शन किया गया स्थगित। अगर 10 दिनों में भुगतान नहीं होता है तो आगे इससे भी बड़ा किया जाएगा आंदोलन। और मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट किया जारी। 8 अक्टूबर से आगे तक बारिश होने की है संभावना। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।